बोले क्यों? श्रीकांत कारण किया? बोले कारण ही दुनिया को सिखा देते हैं। देखो जिस शरीर को तुम इतने जतन करते हो, रोज रोज उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो, सुंदर करके सजाते हो और क्या क्या करते हो, ये शरीर का परिणाम एक दिन एक मुठ दाग है और कुछ नहीं। इसलिए गले में हड्डी की माला पहनते हैं। क्यों? ये भी सिखा देते हैं शरीर का जो परिणाम है वो दो टुकड़े हड्डी है। इसलिए भैया प्रेम करना तो ये शरीर को मत क्या करो, प्रेम करना तो बांके बिहारी को प्रेम है। इसलिए शंकर जी के सर को ऊपर में कोई जुई चमेली बेली खेतर की कोई अच्छी फूल नहीं चढ़ाते। कौन सा फूल चढ़ाते हैं? जो जंगल में अपने आप होता है, धतूरे और आतंक का फूल चढ़ाते हैं। क्यों? कारण है शंकर जी परम वैष्णव है, दुनिया को सिखा देते हैं जो अच्छे अच्छे फूल है वो मेरे प्रभु ठाकुर जी के लिए, कृष्ण के लिए। मैं तो उनका सेवक हूँ, जंगल में अपने आप जो फूल हो जाए उसको मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए शंकर जी शरीर में कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात को कोई अलंकार शंकर जी के शरीर में नहीं है। बताओ तो शंकर जी का क्या अलंकार है? सर्प है। ये सर्प कौन है? ये स्वयं श्रेष्ठ है, स्वयं अनंत देव है। यदि अनंत देव कौन है? शंकर जी के गुरु। दुनिया को शिक्षा देते हैं अगर अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अपना जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जो जिसको द्वारा तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी। शंकर जी शरीर में क्या है? बिच्छू सांप लटक रहे शंकर जी के शरीर पर। इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव होने का नाते शंकर जी अपने आप को छपवाने के लिए, छुपाने के लिए, नहीं तो हम भजन में डिस्टर्ब करेंगे। आप शंकर जी की कहीं भी आप देखोगे मूर्ति, देखना आंख बंद किए हुए शंकर जी ध्यान में बैठे हुए हो, भगवान की ध्यान में बैठते हैं शंकर जी। इसलिए लेकिन शंकर तो कोशिश की छुपाने के लिए, लेकिन छुपा नहीं सके। कारण क्या? बोले कारण है शंकर जी के पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु। बताओ क्या है? शंकर जी के पास में श्री गंगा देवी, शंकर जी की जटा में पति भावन से गंगा, वो गंगा कौन है? ठाकुर जी की शरणा करते हैं। इसलिए सबसे पवित्र वस्तु को उन्होंने धारण करके रखे शंकर जी। शंकर जी जब आए भगवान को दर्शन करने के लिए, वहां पर एक कोई गोपी थी। शंकर जी ने कहा मैंने सुना है नंद घर में लाला भयो है। बोले लाला भयो तेरे कहा गए? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, निकली वो जो निकली ना राक्षस निकली, और तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख कर मेरा जी घबरा रहा है। इसलिए बाबा लाला फला के दर्शन नहीं हो रहा। वो जाकर के मैया जसोदा को बोलती, इतने में मैया जसोदा आ गई। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैया एक बार लाला को दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद हो, तेरे लाला खूब फलते फूलते रहेगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतन आ गई थी हैं, और तेरे को देखने तो मुझे डर लग रहा है, और मेरे लाला को ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो जो लेना लो, अपना रास्ता देखो। मैया तो कृष्ण को लेकर के घर की कोने में छुपा दी। शंकर जी ने कहा लाला नहीं दिखाओगे? बोले नहीं। बोले अगर लाला नहीं दिखाओगे ना, जब तक नहीं दिखाओगे तब तक मैं एक यहीं बैठा रह जाऊंगा। बोले मेरे चार दरवाजा हैं, तू यहीं बैठा रह जा, मैं और दूसरे दरवाजा में निकाल लूंगी। बोले मैं चार मूर्ति धारण करके चार दरवाजा में बैठ जाऊंगा। बोले मेरे ग्यारह दरवाजा है। बोले मेरे ग्यारह रूप भी है, एकादश रुद्र है, ग्यारह रुद्र है। बोले ग्यारह दरवाजा में मैं ग्यारह रूप लेकर के बन जाऊंगा, बड़ा होकर के निकलेगा तो कहीं तब दर्शन करूंगा। इतने में शंकर जी त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए और भगवान को स्मरण करने लगे। बोले ठाकुर जी तेरे सारी लीला तो मैंने देखा है, लेकिन तो भगवान होकर के तेरे को जो भूख लगता है ना तो रोते हो,
फिर मैया को पता चलता लाला को भूख लगा है, फिर दूध पिलाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया तुम्हारी अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो खिलाने वाले अभी मैया दशरथ तुम्हें खिला रही है। कभी ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ठाकुर जी एक झलक दर्शन करा दे, भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। इतने में कृष्ण रोना शुरू किया, इतने जोर से रोना शुरू किया, पूरा परिवार दंग रह गई। पर लाला की रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने कहा, मैया जो बाबा है ना वो आंख बंद करके बैठा हुआ, लगता है इधर लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। वो कहता है लाला दर्शन नहीं कराओगे तो वो नहीं जाएगा। फिर तो मैया ने काले कपड़े से ओढ़ के मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल लगा भूत लगा में काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से लेके जाती। बोले बाबा तो बड़े अखंड दर्शन कर, जब झलक दर्शन कर।